कोशिश है हमारी, एंड बहुत ऑनेस्ट कोशिश करना चाहते हैं हम। जैसे आप बता रहे हैं कि स्टोरीज, तो हमारे पास एक सब्जी बेचने वाली की भी स्टोरी हमने लोगों को सुनाई, जो दिन में 3 बार सेव करती थी, एक अपने बुढ़ापे के लिए, एक अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और एक अपनी दवाओं के लिए। आप समझ रही हैं? सो वो 300 रुपए कमाने वाली औरत दिन में 75-70 रुपए बचाती थी, और उसने उसने उसी से उसने अपनी लाइफ जो है वो सॉर्टेड की। तो वो स्टोरी बहुत इंस्पायर की लोगों को। जी आप अगर बोलेंगी, आई मीन वी हैव सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज अक्रॉस अस, हमारे लाइफ में भी है। यही नहीं कि जो कॉर्पोरेट कर रही है, कोई बिजनेस रन कर रही है, मोस्ट ऑफ आर हाउस हेल्प आर वेमेन, राइट? और आप देखेंगी हर एटलीस्ट बॉम्बे में मैंने देखा है, ऑल दोज हाउस हेल्प आर द वंस हु आर प्लानिंग देयर फ्यूचर, हु आर राइट मुझे इतना इसके लिए, लाइक माई हाउस हेल्प विल कीप ऑन सेइंग दैट मुझे LIC करा के दो, मुझे इसमें खरीदना है, मुझे ये घर खरीदना है। सो आई थिंक दे आर रियली टेकिंग चार्ज ऑफ देयर फाइनेंसेस। इनफैक्ट दिस सेगमेंट इज रियली टेकिंग चार्ज। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में सुना होगा, सेल्फ राइट ग्रुप वो तो विमेन ही है ना, जो एक साथ आके दे कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक ईच अदर गेट द काइंड ऑफ क्रेडिट विच हेल्प्स देम डिवेलप देयर बिजनेस और देयर लाइवलीहुड। राइट वो उधर से सेव करके अपने फ्यूचर के लिए प्लान करती है। मैंने काफी सारे होम मेकर्स देखे हैं जो घर का फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। नो डाउट। और कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक ने वो जो इग्नोरेंस था, जो क्या कह रहे, नजरअंदाजी थी थोड़ी बहुत, वो खत्म कर नजरअंदाज दी है। नाउ पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे। आपने क्या चेंज देखा पोस्ट पेंडेमिक? पोस्ट पैंडमिक एक जो बड़ा चेंज आया है कि ये मुझे भी हो सकता है, ये कॉन्वर्जेशन इंश्योरेंस में आप जिसे बात करेंगे, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या लाइफ इंश्योरेंस की, टिपिकली आप जब बोलेंगे कि अगर कुछ हो गया तो आपको ये मिलेगा या आपकी फैमिली को, वो ऑब्जेक्शन हमें हमेशा आता है, लेकिन मतलब मेरे साथ तो नहीं होने वाला है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन इस पैंडेमिक के बाद ऐसा कोई रूल नहीं रहा कि आप यंग हैं, आप हेल्दी हैं तो आपको नहीं होगा, बिकॉज वी हैव अनफॉर्चुनेटली सीन अ लॉट ऑफ यंग एंड हेल्दी पीपल सफर एंड सफर बैडली। सो एक तो ये इल्यूजन जो हमारे पास है कि जो हम जानते हैं दैट्स इट, एंड विद दैट देयर इज सर्टेनिटी दैट नथिंग एल्स विल गो, द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ हैज कम इनटू द फोर, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज पीपल आर फोर्स टू थिंक अबाउट अ कंटिजेंसी प्लान एंड अ प्लान बी एंड इंश्योरेंस। द सेकेंड थिंग इज द यंगर जनरेशन, पीपल हु आर बिलो, टिपिकली इंश्योरेंस आप बोलते हैं कि आफ्टर यू गेट मैरिड, आफ्टर यूर 30, आफ्टर यूर किड्स, तब सोचना शुरू करते, लेकिन अभी यंगर जनरेशन ने भी सोचना शुरू किया है। हमने रिसर्च किया था, अभी हम रिलीज कर रहे हैं वो रिसर्च, टू अंडरस्टैंड कि कोविड के बाद ये जो यंगर जेन जी बिलो 30, हमने 25 to 35 पे ही रिसर्च किया था, आजकल तो 25 to 35 भी केयरफ्री लाइफ लीड करते हैं, हमारी तरह नहीं है। तो दे वर आल्सो, वी क्लियरली सॉ दैट देयर इज अ डिफरेंस दैट बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। नाउ दे आर सेइंग नहीं हो सकता है, मुझे सोचना तो पड़ेगा इसके बारे में बहुत सीरियसली। सो कोई भी सिल्वर लाइनिंग, आई मीन कोविड हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत बुरा दौर रहा है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग अगर हम देखें तो ये कि प्लानिंग फॉर द अनसर्टेन टाइम्स, एंड अदर थिंग दैट इट हैज मेड अस रियलाइज टू अदर थिंग्स एक्चुअली। वन, सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, सो यू हैव टू सेव फॉर अ रेनी डे। एंड द थर्ड इज दैट खुश होने के लिए इतनी सारी चीजें भी जरूरत नहीं है। क्या बात, राइट। या आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने भी एक छोटा सा रिसर्च किया था जिसमें वो लोग जिन्हें लगता था कि ठीक है किराए के घर में हम रह लेंगे, वो जो बंजारों वाली लाइफ जिन्हें जो एंजॉय करते थे, उन्हें समझ आया कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, मुझे चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मुझे अपने पीछे छोड़ने जो लोग छूटे उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। तो यस, एब्सोल्युटली राइट कि भले ही बहुत बुरा वक्त था, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज वो हमें सिखा कर गया कि लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में
हो या ना हो, लेकिन उसकी प्लानिंग तुम कंट्रोल कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जहां पर आप बात कर रही थी कि अब हम ये समझ गए कि लोगों को समझ आ गया कि इम्पोर्टेंट कितना इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस। आप जानते हैं कि लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसका जो रास्ता होता है वो कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे सिंपल बनाने की जरूरत है, यू नो, उसके बारे में आपने कहा था एंड आई रियली लाइक इट। प्लीज एक बार और रिपीट कीजिए। आप ये मेरा सबसे फेवरेट लाइन है एक्चुअली, कि हम लोग ना वी आर इन एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड एरा, अटेंशन स्पैन कम से कम होती जा रही है, और इसमें आप अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताएंगे ना तो लोगों के पास इंटरेस्ट है ना टाइम है समझने। एंड वन ऑफ द बिग रीजंस विद आई थिंक दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट being bought as much as should, even today insurance जो बोलते हैं कि बेची जाती है, खरीदी नहीं जाती है, बेची जाती है मतलब किसी को जाके claim करना है, it's sold and not bought is what we say in insurance, because you know insurance, health insurance में वो चीज है कि आप किसी को पूछो कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, कोई नहीं बोलेगा कि बुरी चीज है, सब बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी है, करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। वो अर्जेंसी जो आती है वो नहीं आती। कोविड ने वो अर्जेंसी ले आई है कि मतलब ऐसा नहीं आप 5 साल बाद बोलते देखेंगे बाद में, आपको कभी भी हो सकता है, तो आप ये अर्जेंसी। लेकिन उसमें हमने एक चीज नोटिस की कि व्हेन यू मेक द प्रोडक्ट वेरी सिंपल, वो खरीदी जाती है, लोगों को समझ में आती है। अगर आपको अगर उनको बोलेंगे कि यू नो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस इलनेस का इतने महीने बाद, इस इलनेस का इतने महीने बाद, इसका सब लिमिट ये है, तो हमारा प्रोडक्ट, इवन दो हम इंडस्ट्री की तरफ से कोशिश है कि साफ साफ बताए लोगों को, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का। इसलिए हमें प्रोडक्ट्स और प्रोसेस दोनों बहुत बहुत ही सिंपल बनाने पड़ेंगे, ताकि लोगों को, मैं अपनी टीम को बोलती हूँ कि हमें एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो एक पेज में समझ आता है, किसी को वो बुकलेट नहीं देना पड़े, मुझे एक पेज वो 10 लाइन पढ़ के मुझे समझ में आ जाए ये मुझे मिलेगा ये मुझे नहीं मिलेगा। एंड यू मेक द प्रोसेस सो सिंपल दैट 3 स्टेप्स में खरीद लो, जाते जाते गाड़ी में मोबाइल में हम एडवर्टाइज तो करते हैं लेकिन सही में नहीं होता है, सो ये सब खरीद लो, इतने as a digital organization we have the wherewithal to do all of that, right? मेरे this is one of my pet projects to actually create the simplest insurance for people, so that वो इनर्शिया जो होती है ना, एक तो इनर्शिया है कि आप खरीदो, खरीदना चाहिए कि नहीं, है ना, जैसे आपने बोला कि खरीदना चाहो भी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे आ जाते हैं, हम 50-50 फीचर्स और बेनिफिट्स डाल देते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, तो सिंपल रखें, एटलीस्ट सिंपल रखें कि ये आपको मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट गेट पीपल इन टू हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियली रियली बिलीव इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमारी इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है रानी टू मेक इंश्योरेंस इजी, फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट। फ्रेंडली हमने जानबूझ के रखा क्योंकि लोग इंश्योरेंस को अपना फ्रेंड समझते नहीं है, क्योंकि हमारे जितना कठिन होता है, हम जो बोलते हैं वो तो पढ़ने से पहले ही लोग डर जाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि कम अक्रॉस एज सिंपल फ्रेंडली। काम थोड़ा पेचीदा है लेकिन उसको पेचीदा कम्युनिकेशन पेचीदा नहीं होना चाहिए। सो ट्रू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। 92.3